एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जनपद देवरिया के रहने वाले विवेक त्रिपाठी पुत्र योगेंद्र त्रिपाठी ग्राम सठियाओ थाना कुकुंदू जनपद देवरिया के निवासी जनपद गोरखपुर के यूनिवर्सिटी चौराहे पर बस से उतरने के दौरान पिट्ठू बैग जिसमें एक अदद डेल कंपनी का लैपटॉप रखा हुआ था जो बस में छूट गया। काफी खोजबीन के दौरान बैग नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने यातायात कार्यालय पर सूचना दी। सूचना मिलने पर तत्काल आईटीएमएस कंट्रोल रूम से सूचना दिया गया। इसके बाद आईटीएमएस कंट्रोल रूम द्वारा सूचना पाकर अनाउंस किया गया, जिसके बाद यातायात निरीक्षक रामज्ञा प्रसाद द्वारा बैग की खोजबीन की गई तो रोडवेज बस स्टैंड के पास बैग मिल गया, जिसकी सूचना तत्काल बैग के स्वामी विवेक त्रिपाठी को दी गई। सूचना मिलते ही विवेक त्रिपाठी यातायात कार्यालय पर आकर एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह द्वारा अपने बैग को प्राप्त किए तथा गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस की उन्होंने काफी प्रशंसा की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, मैंने फोन पे भी रात भर मैंने इंसिडेंट से बात की और भी दिल्ली में जो इन्वेस्टमेंट है सबसे मैंने गोरखपुर का बिल्कुल चेंज हो गया है। अच्छा, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। वो सब बोले कि आप गोरखपुर इतना चेंज हो गया कि लैपटॉप मिल जा रहा है, रिकवर हो जा रहा है, तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है। छोटी चीज होती है देवरिया के रहने वाले विवेक त्रिपाठी जी हैं जो कि उधर गुड़गांव में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। कल ये बस से आ रहे थे तो इनका लैपटॉप एक बस में छूट गया था। ढूंढते रहे, फिर इन्होंने आईटीएमएस कंट्रोल रूम को सूचना दी। फिर आईटीएमएस के कर्मचारियों ने जो है आज सुबह उस बैग के लिए अनाउंस करके और इनके बताए हुलिया के मुताबिक गाड़ियों में चेक करके ढूंढ लिया उस बैग के लिए, और उस बैग के लिए आज इनके सपोर्ट कर दिया गया। इनके द्वारा यातायात पुलिस की सराहना की गई, क्योंकि ये कह रहे थे कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा यहाँ पर जो है खोया हुआ लैपटॉप जो है वापस मिल जाएगा। इसके लिए विवेक त्रिपाठी जी ने गोरखपुर पुलिस की काफ़ी सराहना की है और मैं अपनी ओर से आईटीएमएस की टीम को और ट्रैफिक टीम को बधाई देता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो उनका अधिकतर सामान छूट जाता है? देखिए, जिनका सामान छूट जाता है उनके लिए तो स्वयं ही सतर्क रहना चाहेंगे, बाकी आम जनमानस की जिम्मेदारी है, उसका ये अंतःकरण है। किसी का सामान खो गया है तो उसको खोज के हमारे सिटी कंट्रोल रूम में दे दे या ट्रैफिक कंट्रोल रूम में दे दे, तो हम उनको खोज के उनकी आइडेंटिटी चेक करके उनका सामान वापस कर देंगे। ऐसे करीब 100 लोगों का सामान हम लोग अभी तक वापस कर चुके हैं।